सोचें कि हमारा रिश्ता कितना पुराना है, तो वो शायद ये जो बच्चा आज ग्रेजुएट हो रहा है, इसकी पहली क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक के सफर हमारा मॉडर्न एज के साथ गुजरा है। 2008 में जब हमें पता चला कि अबटाबाद आ गए तो बड़ी दिलाई गई और बहुत खुश थे कि अबटाबाद जहाँ स्कूल बहुत अच्छे हैं, जहाँ वेदर बहुत अच्छा है, जो एक खूबसूरत शहर था। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो एक कंफ्यूजन और एक प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि किस स्कूल में बच्चों को दाखिल किया जाए। लाहौर के स्कूल को छोड़ के आना और मॉडर्न एज में जाहिर है एक्साइटेड थे हम लोग आने के लिए, लेकिन स्कूल की सिलेक्शन के लिए अब जाहिर है कि पेरेंट्स सारे वर्ल्ड होते हैं। कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया और बताया और मॉडर्न एज की कम और सिराज भाई साहब की तारीफ बहुत ज़्यादा की और उन्होंने कहा कि आप मॉडर्न एज को विजिट करें, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने इस मॉडर्न एज की तारीफ की और सरवाइव की तारीफ की, वो यकीनन बहुत कम तारीफ की। मेरे चार स्कूल से स्कूल में पढ़े हैं, दो फारग तहसील हो चुके हैं, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट हैं। तो मॉडर्न एज माशाल्लाह इसको हमने फलते फूलते देखता है, इस देखा है इतना और दरख्त बनते हुए देखा है और इसके साइज से और इसके फल से पेरेंट्स भी और बच्चे भी इससे मुस्तफीद हो।